तो दोस्तों कई बार आप इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जैसे कि तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे, या फिर तुम खाते खाते क्या ढूंढ रहे थे, या फिर तुम देखते देखते क्या सोच रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको यूज़ करना है सबसे पहले वाइल का, और उसके बाद आपको यूज़ करना है अपनी वर्ब के साथ जो है ing का, और इसके बाद अब आपको लिखना है व्हाट, और उसके बाद अब आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है जिस भी टेंस में आप उसे बोलना चाहते हैं, और उसके बाद आपकी जो दूसरी वाली वर्ब है वो आ जाएगी, और उसके लास्ट में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में, यानी कि आपके अदर वर्ड्स सब आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को और ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने उसे डाउनलोड कर लिया है और जो है वो इंग्लिश भी सीख रहे हैं, उसे एडवांस लेवल में बताया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वाइल गोइंग व्हाट वर यू सेइंग, तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम खाते खाते क्या सोच रहे थे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वाइल ईटिंग व्हाट वर यू थिंकिंग, तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, वो जाते जाते क्या सोच रहा था, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।